नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टॉक यात्रा विद विशाल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिसकी ओर से एक बड़ी अपडेट यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जाए, जिसको ही यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। एंड अगर ये कंपनी आप लोगों के पास है दोस्तों, तो इसके एक भी शेयर को यहाँ पे मत बेचिएगा, क्योंकि यह कंपनी देखा जाए तो फंडामेंटल्स स्ट्रांग हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एंड फ्यूचर की अगर यहाँ पे हम लोग बातें करें तो यह एक मल्टी वैगर कंपनी यहाँ पे 100% साबित होते हुए हम लोगों को देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो इस कंपनी में केवल और केवल यहाँ पे एक रिस्क यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जा रहा है, तो उस रिस्क को भी जानना बेहद जरूरी है कि वो जो रिस्क है वो कितनी बड़ी यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलती है, जिससे को जानना एक इन्वेस्टर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो उसको भी यहाँ पे हम लोग आगे आप लोगों को बताने वाले हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग सीधा न्यूज़ के ऊपर आ गए, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारी जो कंपनी है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने अनाउंस किया है कि उन्होंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्वायर किया है क्या प्लॉट नंबर D2, जो कि यहाँ पे उसका पूरा एड्रेस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट पुणे में यहाँ पे मतलब पुणे जिले की ये हम लोगों को देखने को मिल जाती है, जो कि आप देख सकते हैं कि 132,681 स्क्वायर मीटर का ये हम लोगों को देखने को मिल जाता है। एंड वहीं पे अलॉन्ग विथ 14,065.90 स्क्वायर मीटर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन थियोरन फ्रॉम श्री सम्राट पल्प एंड पेपर प्राइवेट लिमिटेड फॉर अ कंसिडरेशन कंसोलिडेटेड ऑफ ₹32 करोड़ का ये यहाँ पे हम लोगों को चीज़ें देखने को मिल जा रही है। उसी के साथ साथ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे कि यहाँ पे जो चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल रही है, MIDC से यहाँ पे परमिशन लेने की यहाँ पे कोशिश चल रही है। किसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडिशनल मैनुफैक्चरिंग फैसिलिटीज रिलेटेड यहाँ पे MIDC से परमिशन यहाँ पे लेने के लिए वो आगे बढ़ी हुई है। मतलब यहाँ पे जब परमिशन हो जाएगी तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज यहाँ पे हम लोगों की हमारी कंपनी क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल सकती है। देखा जाए इसी कंपनी के न्यूज़ के कारण आज हम लोगों को इस कंपनी में एक अच्छी खासी रैली यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिली है। एंड अगर इस न्यूज़ की भी बातें करें तो एक अच्छी खासी न्यूज़ यहाँ पे हम लोगों को ये यहाँ पे देखने को मिल जा रही है। एंड वहीं पे अगर रैली की बातें करें तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कंपनी में करीब 10% के आसपास यहाँ पे रैली देखने को मिली है। तो पहली जो सपोर्ट यहाँ पे इसको रैली में थी वो न्यूज़ के बेसिस पे, दूसरा यहाँ पे हम लोगों को अपने मार्केट की वजह से इस कंपनी में ये रैली देखने को मिली है। तो दो दो रीज़न यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस कंपनी से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जा रही है। जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा कि किसी भी कंपनी को बाय करने से पहले यहाँ पे उनके फंडामेंटल्स को जरूर चेक करना चाहिए। तो चलिए एक बार यहाँ पे हम आप लोगों को इस कंपनी के फंडामेंटल्स को भी बताते हैं, जिसको जानने के बाद आप लोगों को इस कंपनी को खरीदने का मन करेगा। उसी के साथ साथ एक रिस्क भी आप लोगों को यहां पे आगे हम बताने वाले हैं, जिसके लिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो यहां पे वीडियो जो है अच्छे से आप लोगों को समझ में आने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग आपको बता दें कि हमारी जो कंपनी है वो 19 जुलाई को यहाँ पे लिस्ट होते हुए हम लोगों को देखने को मिली है। मतलब काफ़ी कम टाइम फ्रेम यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो जितनी यहाँ पे डाटा उपलब्ध है उसी बेसिस पे यहाँ पे हम लोग आपको चीज़ें बताने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग किसी भी कंपनी के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा के ऊपर आ गए, जो कि रेवेन्यू एंड प्रॉफिट होता है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डाटा हम लोगों को देखने को मिल रहा है वो 19, 20, 21 तीन साल का डाटा देखने को मिल रहा है, जिसमें अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो देखिए कि सबसे पहले एसेट्स देखने को मिल रहा है। तो आप देखिए एसेट्स यहाँ पे काफ़ी शानदार तरीके से हम लोगों को ग्रोइंग मोड में ही देखने को मिल रही है। देन रेवेन्यू की बातें करें तो इससे कंपनी के बिजनेस के बारे में पता चलता है कि कैसा यहाँ पे कंपनी का बिजनेस चल रहा है। तो आप देखिए कि रेवेन्यू यहाँ पे हम लोगों को शानदार तरीके से यहाँ पे ग्रोइंग मोड में ही देखने को मिल रही है, जिसका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट में आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि पहले इनका जो प्रॉफिट 19 में था 976 था, 20 में 1396 एंड 21 में बातें करें तो 1983। तो देखिए क्या शानदार जंप यहाँ पे हम लोगों को इनके प्रॉफिट में देखने को मिल जा रहा है। इस चीज़ को यहाँ पे हम लोग देखने के बाद बोल सकते हैं कि यह कंपनी हम लोगों को फंडामेंटल स्ट्रांग यहाँ पे देखने को मिल जा रही है। एंड दोस्तों, फ्यूचर में यह एक मल्टी बैगर कंपनी 100% यहाँ पे हम लोगों को साबित होते हुए देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरह का इसका जो परफॉर्मेंस है उसको देखने के बाद यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ऐसा ही यहाँ पे इसका परफॉर्मेंस रहा तो यह एक मल्टी बैगर कंपनी 100% यहाँ पे
साबित होगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा इनके फंडामेंटल्स, अभी हम आते हैं इनके रिस्क के ऊपर। एंड वो जो रिस्क है दोस्तों वो है प्रमोटर्स की होल्डिंग। आप देख सकते हैं कि प्रमोटर्स की होल्डिंग जो प्रेजेंट टाइम में हम लोगों को देखने को मिल रही है वो 94% से ज़्यादा की यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रही है। एंड सेबी का जो रूल है दोस्तों वो 75:25 का होता है, जिसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग जो होती है वो मैक्सिमम 75 रख सकते हैं, उससे ज़्यादा यहाँ पे रख नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो इनकी जो होल्डिंग है वो यहाँ पे हम लोगों को अधिक देखने को मिल रही है सेबी के रूल के मुताबिक। मतलब यहाँ पे 3 साल के अंदर अंदर कभी भी यहाँ पे इस कंपनी में आप लोगों को OFS देखने को मिल सकता है। तो यही एक रिस्क यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है। एंड OFS की अगर यहाँ पे बातें करें दोस्तों, तो आप लोगों को मालूम होगा कि OFS जब भी किसी भी कंपनी में आता है वो डिस्काउंट रेट में आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सो देखा जाए तो 3 साल के अंदर यहाँ पे OFS आएगा, कब आएगा किसी को यहाँ पे नहीं मालूम है, लेकिन हाँ ये श्योर है कि 3 साल के अंदर कभी भी यहाँ पे इनको OFS लेकर के हर हाल में यहाँ पे आना ही पड़ेगा। तेन वहीं पे उसके बाद अगर देखा जाए तो DIs इस कंपनी में होल्डिंग रखते हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि 0.77 की है। एंड पब्लिक उसके बाद 4.57% की होल्डिंग पब्लिक की यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जा रही है। सो यही एक यहाँ पे इस कंपनी की रिस्क देखने को मिल जाती है। इसको अगर यहाँ पे हम लोग हटा दें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारी जो कंपनी है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो यहाँ पे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जाती है। आपको हम बता दें कि यह एक केमिकल सेक्टर में आने वाली कंपनी यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जाती है, जो कि आप देख ही रहे हैं कि केमिकल सेक्टर्स की जो कंपनियाँ हैं वो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे हम लोगों को ग्रोइंग मोड में देखने को मिल रही है। एंड उनके जो शेयर होल्डर्स हैं वो भी बहुत ही तेज़ी से यहाँ पे पैसा कमाते हुए हम लोगों को देखने को मिल जा रहे हैं। सो दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो इस कंपनी से रिलेटेड जो अपडेट थी, जो न्यूज़ थी, वो मैंने आपको बता दी। के साथ साथ कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बता दिया, देन यहाँ पे कंपनी के रिस्क के बारे में भी आप लोगों को बता दिया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।